वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं रवि तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट बुथालोक में। आज माता रानी का दिन है और आज से जो है नवरात्रि की शुरुआत हो रही, तो पहले तो मैं आलोक सर की तरफ से, टारगेट बुथालोक चैनल की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी हम सबको शक्ति दें कि हम अपनी मंजिलों तक पहुंच सके और हम अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहें, सहज रहें और पूरी ईमानदारी रखें, जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों का मैं स्वागत वंदन और अभिनंदन फिर से करता हूं एक बार। आज जिन बातों को लेकर आया हूं वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित रही है ना, मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, लेकिन इसमें मैं कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ाने चल रहा हूं, मैं कोई विषय पढ़ाने नहीं चल रहा हूं, मैं घड़ी पढ़ाने नहीं चल रहा हूं, मैं करंट अफेयर्स पढ़ाने नहीं चल रहा हूं, बल्कि मैं उन मुद्दों पर बात करने चल रहा हूं जो परीक्षार्थी के मन में होती हैं, लगातार उन्हें परेशान करती हैं और जो परीक्षा की बाधा को पार करने के लिए अनिवार्य हैं, उपयोगी हैं। ऐसी कुछ बातों पर मैं जो है आपसे बात करने चल रहा हूं। भारत के सबसे बड़े सरकारी तंत्र एनटीपीसी रेलवे के लिए जो वैकेंसी आई है, हम उस वैकेंसी की बाधा को कैसे पार कर सकते हैं, हमारी जो है रणनीति क्या होनी चाहिए, हमको कैसे पढ़ना चाहिए, हमको किन किताबों से पढ़ना चाहिए, हमारा समय प्रबंधन कैसे होना चाहिए, क्लियर, हमारी पाठ्य सामग्री का चयन कैसे होना चाहिए, इन सब बातों पर मैं बात करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। 15 से 20 मिनट में मैं पूरी एनटीपीसी की कार्य योजना के बारे में आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे अगर स्वयं से भी तैयारी कर रहे हैं, आप किसी परीक्षा किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप किसी चैनल को ज्वाइन नहीं करना चाहते और घर बैठे अगर आप जो है परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो कैसे आप उस परीक्षा की तैयारी को कर सकते हैं, क्लियर है? हाँ, कैसे आप उस जो है परीक्षा की तैयारी को कर सकते हैं, इन बातों पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं। अगर हम आज से देखें तो लगभग 60 से 70 दिन का समय आपका परीक्षा में शेष है, क्योंकि जैसे कि सरकार ने बताया है कि जून से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी अंतिम सप्ताह से, जो कि ऑनलाइन टेस्ट है, और जून से लेकर सितंबर तक आपकी परीक्षाएं लगभग संचालित होंगी। तो जून से सितंबर तक की परीक्षाएं संचालित करने के लिए अगर हम लोग देखें तो वर्तमान समय से 5 अप्रैल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, जो कल समाप्त हुई है आपकी, और अब आपके पास 60 से 70 दिन का निश्चित समय है जिस समय में आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो विश्वास मान लीजिए सिलेबस भी उससे ज्यादा नहीं है। अगर मैं कुछ बातों पर बात करूं कि क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, कैसे हमें सिलेबस को पढ़ना है, हम किन चीजों को पढ़ें, तो आइए सबसे पहले हम इन मुद्दों पर बात करते हैं आपसे कि कैसे इसकी तैयारी की रूपरेखा को हम लोग किया जाए, ठीक है? देखिए, पहले तो मैं आपसे एक बात करूंगा, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही मंजिलों तक पहुंचते हैं। तो पहले तो आत्मविश्वास आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। इस परीक्षा के लिए आपके अंदर ये होना जरूरी है कि हाँ, हम इस परीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, मानव निर्मित लक्ष्य को हमेशा मानव ही प्राप्त करता है। कोई पेपर अगर कोई व्यक्ति सेट करेगा तो उस पेपर को हिट करने वाला भी कोई व्यक्ति ही होगा। कमी हमारी कहां पर होती है, वही बात है कि मैं आपको एक फुटबॉल दे दूं और एक मैदान दे दूं और मैं आपसे कहूं कि दिन भर आप फुटबॉल खेलिए, लेकिन मैं कोई गोल पोस्ट ना बनाऊं। अगर मैं कोई गोल पोस्ट नहीं बनाऊंगा तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए आप गोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम दिन भर खेले फुटबॉल लेके उस मैदान के चारों ओर, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि हमें गोल कहां करना है, इसलिए हम केवल थक जाएंगे, हार जाएंगे, लेकिन गोल नहीं कर पाएंगे, मतलब हम चयन नहीं कर पाएंगे। जो किताबें हमें पढ़नी है, जो रणनीति हमें फॉलो करनी है और जिस पैटर्न पे हमें पेपर देना है, उसकी प्रैक्टिस हमें ऐसे करनी है कि एग्जाम रूम का माहौल भी 2 घंटे का हमें उस दिन ऐसे लगे कि हम अपने घर में ही बैठे हैं और जैसे हम रोज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते थे वैसे उस दिन भी कर रहे हैं। इसका मतलब है आपके गोल करने की तैयारी परीक्षा के 15 दिन पहले ही पूर्ण हो जानी चाहिए, है ना, पूरी रणनीति के साथ पूर्ण हो जानी चाहिए। अलग अलग परीक्षाएं होती
होती है, उन परीक्षाओं का अलग अलग नेचर होता है, प्रत्येक परीक्षा का अलग नेचर है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की परीक्षा बिल्कुल अलग नेचर की परीक्षा है। लोग पढ़ा रहे हैं, मैं देख रहा हूं अलग अलग तरीके से, एसएससी का सिलेबस ही आपको पूरा पढ़ा दिया जा रहा है, एसएससी सीजीएल और रेलवे एनटीपीसी में अंतर ही नहीं है। मान लिया गया है कि यही पूरा सिलेबस है, यही आपको पढ़ना है, जबकि मैं आपसे वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं, अगर आप घटना चक्र उठा के देखें और दोनों पेपर को कंपेयर करें तो एसएससी और वनडे एग्जाम्स के और सिलेबस में और रेलवे के सिलेबस के जो प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति है उसमें बहुत अंतर है, है ना, उसमें बहुत अंतर है। उस अंतर की रूपरेखा को स्पष्ट करके तैयारी करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके काम का ही नहीं हो, है ना। तथाकथित जो है इतनी सामग्री आपके डिजिटल वर्ल्ड में पड़ी हुई है, अलग अलग जगह इस तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं आपको कि वो आपके लिए उपयोगी ही नहीं है। आपको एक सार गर्भित सामग्री की जरूरत है जो एकदम सटीक हो और जो आपको उस योजना तक ले जा सके और जो आपका चयन करा सके, ठीक है। आत्मविश्वास, मैंने क्या कहा, आत्मविश्वास, पूरे विश्वास से कदम बढ़ाइए, मंजिल आपकी होगी। कुछ बिंदुओं पर मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहले आपका बिंदु है, ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले जो आपका बिंदु है वो ये है कि हमारी परीक्षा तिथि क्या है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा तिथि क्या है। तो मैंने आपसे कहा जून के अंतिम सप्ताह से लेके सितंबर तक सबकी परीक्षा एक दिन नहीं होगी, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो अलग अलग दिनों में आपकी परीक्षा पड़ेगी। तो गवर्नमेंट की साइट पर जून से लेके सितंबर तक की परीक्षा तारीखें निश्चित की गई है, दिन निश्चित किए गए हैं और ये आपकी परीक्षा तारीखें हो सकती है। आपकी परीक्षा इन्हीं किन्हीं दिनों के बीच में होगी। इसका मतलब है सबसे पहले तो ये मान लें कि पूर्ण रूप से तैयारी के लिए आपके पास 60 से 70 दिन का समय शेष है, क्लियर। अब इसी समय में आपको देखना है कि आप समय प्रबंधन कैसे करते हैं, कितना आपको पढ़ना है, ये आपका समय प्रबंधन कैसे होना चाहिए, और किताबें या आपकी पाठ्य सामग्री कैसे होनी चाहिए, किताबें आपकी कैसे होनी चाहिए, नोट्स पर आपको कितना काम करना है और किस किस फेज में कितना काम आपको नोट्स पर करना है, किस विषय के नोट्स पर कितना काम करना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं समय प्रबंधन की। तो आप इस परीक्षा के समय प्रबंधन के बारे में देख रहे हैं कि लगभग 3 विषय आपके हैं इसमें, रीजनिंग है, गणित है और सामान्य अध्ययन है ना। तो रीजनिंग और गणित में जितना समय है उतने ही प्रश्न है। इसका मतलब है आप किसी प्रश्न को बहुत नहीं सोच सकते, तो प्रश्नों के पूछे जाने की प्रवृत्ति भी ऐसी होती है कि आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी टॉपिक का सटीक मार्गदर्शन लेते हैं या किसी टॉपिक के बारे में सटीक जानकारी पाते हैं तो निश्चित रूप से आप उस प्रश्न को दिए गए समय से कम समय में भी हल कर सकते हैं। ऐसी सभी परीक्षाएं जिनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसमें समय कम होता है, प्रश्नों के पूछे जाने की संख्या ज्यादा होती है, ऐसे अधिकतर प्रश्नों को हम ऑप्शन से चेक करते हैं, हमें ऐसे प्रश्नों को लगाने की जरूरत नहीं होती। कैसे इसकी पूरी तैयारी जो है आप कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे ऑप्शन से प्रश्न जो है हल करते हैं। देखिए, अब आप सीजीएल के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड आना जरूरी है, लेकिन अगर आप रेलवे एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड आना जरूरी नहीं है। यहां पर आप कितना क्विक हैं और टाइम मैनेजमेंट आपका कितना अच्छा है वही तय करेगा कि आप इस परीक्षा में सफल होंगे कि नहीं होंगे। कल सीबीटी 2 का रिजल्ट आया है, आप लोग चेक कर लीजिए। मैं एक परसेंटेज बता रहा हूं कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 92-93 क्वेश्चन अगर आपने सीबीटी 1 में किए हैं तभी आप पास होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर 100 में से हमने 80 तो कर लिए, 100 में से 80 करने के बाद भी आपका चयन निश्चित नहीं होगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और लगभग आपको अपनी क्षमताओं को इतना विकसित करना पड़ेगा कि अगर 100 प्रश्नों का पेपर है तो हम 90-95 प्रश्नों तक पहुंच सके एक सटीक मार्गदर्शन से। 3 तरह की किताबें आपको पढ़नी है। कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, सबसे पहले तो रीजनिंग है ना, और रीजनिंग के बाद फिर आपकी मैथ्स की किताब है, क्लियर है, मैथ्स की किताब है, और मैथ्स के पास फिर आपकी किताब है जीएस की, ठीक है। किताबों पे अगर मैं बात करूं तो मैं अलग से बात करना चाहूंगा किताबों पे। देखिए, मैं आपसे कहूंगा परीक्षा के लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके रेलवे में
उनकी पूछे जाने की प्रवृत्ति बारंबारता एक जैसी है। क्लियर है? अगर हम जीएस में भी देखें, जिसको जीए सामान्य जागरूकता लिखा है, तो आप सबसे पहले रीजनिंग का तो घटना चक्र एक जाके मार्केट से खरीदिए। क्लियर है? एक घटना चक्र खरीदिए और आप कहिए कि हमें घटना चक्र चाहिए किसका, आरआरबी का, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। जब आप आरआरबी का घटना चक्र खरीदेंगे तो आप स्वयं मूल्यांकन ये कर पाएंगे कि पिछले 16 वर्षों में कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए हैं और किस परीक्षा से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले 16 वर्षों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किस परीक्षा से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। घटना चक्र की एक खास विशेषता आपकी ये होती है, मैं पूरी ईमानदारी से बात कर रहा हूं, यहां कोई कोचिंग और कोई चैनल की बात नहीं है, मैं पूरी ईमानदारी से आपको बता रहा हूं। कोई भी व्यक्ति जब किसी भी चीज की तैयारी करे तो सबसे पहले घटना चक्र, क्योंकि घटना चक्र एक प्रतिष्ठित पब्लिकेशन है और इसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम है। यहां पर टॉपिक वाइज, जैसे आप मान लीजिए मुझसे डाइस पढ़ रहे हैं या डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहां पर डायरेक्शन एक टॉपिक होगा और पिछले 16 वर्षों में जितने प्रश्न रेलवे ने डायरेक्शन से पूछे हैं, वो जिन जिन परीक्षाओं से पूछे हैं, वो सभी परीक्षाओं के प्रश्न एक साथ आपको 200 से 300 प्रश्न मिलेंगे, जो आपको भरपूर प्रैक्टिस की सामग्री होगी। और यहां पर आप ये तय कर सकते हैं, क्या तय कर सकते हैं कि हमें कितना पढ़ना है और क्या पैटर्न पर पढ़ना है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हां, एक चीज होगी, यहां पर प्रश्न हल करने में आपको किसी प्रश्न में एक मिनट लग रहा है तो ये गलत है। वो एक मिनट आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न है, मैं वादा करता हूं आपसे, ये 30 सेकंड में आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? यही अगर हम मैथ्स की बात करें, अब देखिए सीबीटी 1 की बात मैं कर रहा हूं, सीबीटी 2 अपेक्षाकृत कठिन है और उसमें समय भी कम है। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2, अब आपको ऐसी तैयारी तो करनी रहे कि हम एक जगह से तैयारी शुरू करें और इसके बाद एक जगह से तैयारी शुरू करने के बाद सीबीटी 1 निकाल लिया, फिर हम सीबीटी 2 की तैयारी करें। नहीं, सीबीटी 1 की तुलना में सीबीटी 2 कठिन है। अगर आपको रेलवे में पूरा चयनित होना है तो आपको सीबीटी 1 की भी तैयारी करनी है, उसी के साथ सीबीटी 2 की भी तैयारी करनी है, तभी आप पूर्ण रूप से चयनित हो सकते हैं। ठीक है, मैथ्स की बात करें, ठीक है, तो सीबीटी 1 आपका गणना या कैलकुलेशन पर पूरी तरह डिपेंड होता है। किस पर होता है? कैलकुलेशन पर पूरी तरह आपका सीबीटी 1 डिपेंड है। इसके लिए भी आप घटना चक्र की किताब को ले सकते हैं। क्लियर? पिछले 16 वर्षों के प्रश्न पत्रों के सभी प्रश्न आपके घटना चक्र में रेलवे को दिए गए हैं, गणित के, किस परीक्षा में कहां से कितने प्रश्न पूछे हैं और उन प्रश्नों को पूछे जाने का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, प्रवृत्ति क्या है। मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं, एसएससी से एग्जाम बिल्कुल अलग है, एसएससी की पढ़ाई और एनटीपीसी की पढ़ाई अलग अलग है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत कंटेंट को पढ़ते रहे, तो आप एक आकलन करिए यहां से कि हमें वास्तव में क्या पढ़ना है। जैसे मैंने कहा, फुटबॉल तो खेलनी है, लेकिन पहले गोल पोस्ट तय कर लीजिए कि हम क्या करेंगे, है ना। एक परीक्षार्थी सबसे ज्यादा सूझबूझ वाला व्यक्ति होता है, सबसे ज्यादा सूझबूझ वाला व्यक्ति होता है एक परीक्षार्थी। आपकी सूझबूझ ही आपको परीक्षा तक ले जाएगी, इतना आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तीसरी बात, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के दो भाग हैं, एक तो है आपका सामान्य ज्ञान, क्लियर है, और एक है आपका समसामयिक, जिसको आप कहते हैं करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स दो भाग में आपकी ये परीक्षा बटी हुई है जनरल अवेयरनेस की। तो मैं ये मान सकता हूं कि आधा हिस्सा हम इसको ले लेते हैं और आधा हिस्सा इसको ले लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में सामान्य ज्ञान के लिए आप जो पुस्तक खरीद सकते हैं, मैं उसका नाम बता रहा हूं आपको, तो आप कर सकते हैं सामान्य ज्ञान मंजूषा। पुस्तक का नाम क्या है? सामान्य ज्ञान मंजूषा। और ये सामान्य ज्ञान मंजूषा ग्रीन कवर पेज की किताब है, टीएमएच पब्लिकेशन की। किस पब्लिकेशन की किताब है? टीएमएच, जिसको आप कहते हैं टाटा मैग्रा हिल्स, टीएमएच पब्लिकेशन की ये किताब है। टीएमएच पब्लिकेशन की किताब को आप यहां पर ले सकते हैं। रही करंट अफेयर्स की बात, तो करंट अफेयर्स के लिए चैनल हमेशा आपको मैगजीन भी उपलब्ध करा रहा है, टारगेट विथ आलोक चैनल। ये देखिए हमारी मैगजीन है, पूरा आपको रेलवे की जो है गारंटी है, रेलवे और समस्त परीक्षाओं की गारंटी है। आप उसको निःशुल्क डाउनलोड करेंगे हमारे चैनल से, वादा करता हूं एक भी प्रश्न इस मैगजीन से बाहर नहीं होगा आपका रेलवे का। इसके अलावा मार्केट में भी बहुत सारी मैगजीन है करंट अफेयर्स के लिए, किसी भी एक मैगजीन को आप नियमित रूप से पढ़ लीजिए। समसामयिक की महासागर है, घटना चक्र है, किसी भी एक मैगजीन को आप नियमित रूप से पढ़ लीजिए। नियमित रूप से पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे
और मैं स्वयं वादा करता हूं करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न मैं आपका बाहर नहीं होने दूंगा। इससे पहले भी जितनी परीक्षाएं हैं मैंने स्वयं करंट अफेयर्स के फ्री वीडियोज आपको जो है दिए हैं, तो करंट अफेयर्स की गारंटी मेरी रही, इस पोर्शन में मैं आपके प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। तो घटना चक्र आपको कोई किताब लेने की जरूरत ही नहीं है, घटना चक्र। अब बात यह है कि प्रश्नों के बारे में तो आपको पता चल गया कि घटना चक्र से और रीजनिंग से कि गणित से और जीएस से कैसे प्रश्न आते हैं, घटना चक्र से कैसे प्रश्न आते हैं। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इन प्रश्नों को हम हल कैसे करें, या जैसे आपने टीएमएच ले ली तो क्या पूरी टीएमएच पढ़ना आवश्यक है परीक्षा के लिए रेलवे की, है ना, इस प्रक्रिया पर कैसे बात करें। तो यहां से बात आती है आपके नोट्स की, क्या हम नोट्सों का चयन कैसे करें कि हम आपके नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो आप देखिए वही है, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। अगर आप मैदान में देखिए, अगर आप मैदान में हारे हैं तो जीत जाएंगे, लेकिन अगर आप मन से हार गए तो कभी जीत नहीं पाएंगे। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी भी जीत नहीं सकता। और अगर हम मन से जीत गए, अगर हम मन से परीक्षा के पहले ही जीत गए तो हम जीत जाएंगे। हम सभी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप अपने घर पर फोन करते हैं, मम्मी पापा से कहते हैं मम्मी पापा हम पढ़ रहे हैं, आप बाहर आए हैं, वो अपनी गाड़ी कमाई का एक हिस्सा आपको भेजते हैं, ईमानदारी से बताइए क्या आप पढ़ रहे हैं? आप दिन में कितनी बार उनसे झूठ बोलते हैं कि आप पढ़ रहे हैं? क्या आप जिस परीक्षा में चयन की बात कर रहे हैं उस परीक्षा के लिए आपने ईमानदारी से एक भी दिन उतनी पढ़ाई की है जितनी पढ़ाई की आपको आवश्यकता है? आप स्वयं से ईमानदार हैं क्या? जब रिजल्ट आता है तब वो लोग दुखी हो सकते हैं जिन लोगों ने वास्तव में पढ़ाई की है। हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हमारे पास 2-4-10 करोड़ रुपया नहीं है कि अगर हम नहीं नौकरी ले पाए तो हमारे पिताजी हमको एक मॉल खुलवा देंगे कि दुकान खुलवा देंगे कि हम बिजनेस कर लेंगे। इतना ही पैसा होता तो वो आपको इलाहाबाद, पटना, लखनऊ और अलग अलग जगह पर पढ़ने के लिए नहीं भेजते, वो पहले ही तय कर देते कि आप बिजनेस कर लीजिए। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास खोने के लिए, हमारे पास जो है वो प्राप्त करने के लिए है केवल। हम खो सकते ही नहीं। मैं एक कंपटीटर हूं बच्चों, और आपके दर्द को मैं अच्छे से समझ सकता हूं क्योंकि एक कंपटीटर ही एक कंपटीटर की भावनाओं को समझ सकता है, ये बात आप जान लीजिए, है ना। तो मैं निस्वार्थ मन से यहां पे आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले आप अपने प्रति ईमानदार होइए। आज नवरात्रि का पहला दिन है, आज से लक्ष्य बना लीजिए, आज से लक्ष्य बना लीजिए कि ना तो कभी झूठ बोलेंगे और जब से सुबह से उठेंगे शाम तक केवल अपने लिए ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे। मैं गारंटी लेता हूं अगर आप एक बात सोच लें तो कोई कोचिंग कोई चैनल की आपको जरूरत नहीं है। आप अगर एक बार ये सोच लें तो आप आराम से चयनित हो सकते हैं, है ना। आज की परीक्षा प्रवृत्ति ये कहती है कि अगर इतना सिलेबस है जिसमें हमें पढ़ना है तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि इसमें से हमें क्या नहीं पढ़ना है। मान लीजिए हमने ये जान लिया कि क्या नहीं पढ़ना है, अगर हमने ये तय कर लिया कि इतना नहीं पढ़ना है और हमें जान गए कि ये पढ़ना है तो हमारा कंपटीशन आसान हो जाएगा कि हम जान गए हैं कि हमें क्या नहीं पढ़ना है और हम गलत चीजों को पढ़ ही नहीं रहे हैं। आप लोग ये देख रहे हैं वर्चुअल वर्ल्ड में कि जो भी आपको जो पढ़ा दे रहा है आप उसको पढ़ ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्लियर। हमें क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बताया, ये तय करेगा कौन, तय करेगा घटना चक्र, तय करेगा कि आपको क्या पढ़ना है। आप स्वयं बुद्धिमान है, आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। जो कह रहा है कि पढ़ना के रहे है। जितना जबरदस्त आपका रिसर्च समझ गया, पैटर्न को जान गया, आप देखिए कई आपने सोसाइटी में ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन चयनित हो जाते हैं, और जो कई आपने ऐसे देखे होंगे जो जीवन भर से पढ़ रहे हैं लेकिन चयनित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा के पैटर्न को समझ गए थे और उन्होंने ये जान लिया था कि उन्हें क्या नहीं पढ़ना है।
कम समय में कैसे प्रश्नों को हल करें, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 60 से 70 दिन में आप नोट्स नहीं बना सकते। 60 से 70 दिन में आप नोट्स नहीं बना सकते। किसी ने कहा है, किताबों से दोस्ती कर लो, किताबों से मोहब्बत कर लो या मेरे यारों, केवल यही है जो अपनी बातों से पढ़ता पलटा नहीं करती। किताबों से मोहब्बत कर लो या यारों, केवल यही है जो अपनी बातों से पलटा नहीं करती। आप देख रहे हैं, आप मुझे सराह रहे हैं कि सराज अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं आपसे, मेरे पास बहुत मैसेज आए, बहुत फोन आए, सर कैसे पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि आप घटना चक्र से पढ़िए ना, क्या दिक्कत है। घटना सर प्रतिबिंब है आपके पेपर का, आपके पेपर की बातें घटना चक्र में लिखी है। पिछले 16 साल में रेलवे ने जो पूछा वही घटना चक्र में लिखा हुआ है। CBT 1 CBT 2 का रिजल्ट आया, वादा करता हूं मैं, जो मेरे बैच में जो लोग पढ़ रहे हैं, वादा करता हूं इतना सटीक मार्गदर्शन है। जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया उनको साधुवाद, बहुत सारे लोग एडमिशन ले चुके हैं और 5,000 से 7,000 एंट्री के मैसेज आ चुके हैं। मैं वादा करता हूं सबसे ज्यादा रिजल्ट अगर मैंने इस चैनल से नहीं दिया, टारगेट थालोक चैनल से, तो आप मुझको ढूंढिएगा, कहिएगा सर आपकी बात झूठी हो गई। आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए आवश्यक है। अगर दूसरी चीज आप कहेंगे तो मैं गारंटी ले लूंगा कि ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए आवश्यक नहीं है। कैसे? क्योंकि हमें मालूम है, हमें यहां पे मालूम है कि हमें आपको क्या नोट्स देने हैं। हम आपसे नोट्स बनवाएंगे नहीं, हम आपको प्रिंटेड नोट्स देंगे, दे रहे हैं। जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, हम आपको प्रिंटेड नोट्स दे रहे हैं, है ना। हम मैथ्स में और रीजनिंग में आपको बता रहे हैं, हम ये नहीं सिखा रहे हैं कि आपका सिलेबस क्या है। हम आपको ये सिखा रहे हैं कि 20 मिनट में आप 35 प्रश्नों को बिना गलती से कैसे हल कर सकते हैं। सिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि बिना पेन उठाए प्रश्नों को कैसे हल किया जा सकता है, ये सिखा रहे हैं। सिलेबस नहीं सिखा रहे हैं, ये लोग सिलेबस सिखा रहे हैं। सिलेबस हम आपसे ये कह रहे हैं कि 20 मिनट में 35 प्रश्नों को कैसे हल करना है, हम आपको वो सिखा रहे हैं। तो जिन लोगों ने एडमिशन लिया है उनको ना तो घटना चक्र लेने की जरूरत है, ना नोट्स बनाने की जरूरत है। आप बेफिक्र रहे, चैनल आपको इतनी सारगर्भित सामग्री भेज देगा, दे देगा और उसको डाउट क्लास लेके तैयार करा देगा कि आपको 45 से 50 दिन में ही हम उस श्रेणी पर तैयार कर देंगे जिस श्रेणी पर रेलवे आपका पेपर सेट करेगा। यह हमारा वादा रहा आपसे। हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है, तलबगार का मतलब डिजायरेबल पर्सन, हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है। बुत तो क्या चीज है, मेहनत से खुदा मिलता है। आप मन में आत्मविश्वास रखिए, अगर आप स्वयं तैयारी करना चाहते हैं तो भी चैनल आपके साथ है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक सटीक मार्गदर्शन मिले, आपको एक कैसे, सर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कैसे करें, जितनी बातें आपने बताई हम नोट्स नहीं बना सकते, हम सामान्य ज्ञान मंजूषा से नहीं पढ़ सकते, हम घटना चक्र से नहीं पढ़ सकते, हमें नहीं पता थिंक विदाउट इंक मेथड क्या है, सर आप हमारी मदद कर दीजिए, तो मैंने आपसे कहा है कि जो लोग आ गए हैं और जिन्होंने एंट्री लिख के भेजा है, मैं वादा करता हूं एक भी लोगों को निराश नहीं करूंगा। CBT 1 और CBT 2, CBT 2 की बात है, मैंने दोनों परीक्षाएं इसलिए रखी क्योंकि हमारा चयन ये नहीं कि मैं पहले CBT 1 पढ़ाऊं फिर CBT 2 पढ़ाऊं, नहीं, हमारा पूरा उद्देश्य है आपको पूर्णता चयन कराना। इससे पहले भी जितने बैच मैंने आपको पढ़ाए हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो टेट हो, चाहे वो UPP हो, चाहे वो BDO हो, जो बैच मैं पूरे कर चुका हूं, और चाहे वो इसके बाद लोअर PCS हमारा चल रहा हो, हमारा उद्देश्य ये है। जो लोग देख रहे होंगे इस बैच के, वो कमेंट कर सकते हैं, आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, हमारा उद्देश्य ही ये है, हमारा उद्देश्य ये है कि आप चयनित हो। इतनी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, छुट्टी के दिन भी पूरे टीचर आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, पूरे टीचर छुट्टी के दिन भी एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं आपकी, है ना। तो ये हमारे तौर तरीके हैं, है ना, इस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं गुरुकुल वाली व्यवस्था में। ऐसा नहीं है कि जो हमने आपने ले लिया हमने, तो मैं वादा करता हूं CBT 1 और CBT 2 में जो लॉजिकल रीजनिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, पाई चार्ट है, डाटा सफिशियंसी है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, स्टेटमेंट एजम्पशंस है, आपके डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, पूरा आपका CBT 2 का भी CBT 1 के साथ इस कदर तैयार कराएंगे कि एक बार अगर 50 से 60 दिन आपने मेहनत कर ली, वादा रहा आप इस टीम को याद करेंगे, आप मुझको साधुवाद देंगे, ये मेरा वादा रहा। और अगर आप अकेले से तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताई है कि कौन कौन सी सामग्री आपको लेनी है, क्लियर। हाँ, जो लोग ले लिए हैं ठीक है, अगर जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि सर हम नहीं ले पाए, तो कोई बुराई नहीं, आप अभी भी ले सकते हैं। तो यहां पर एक नंबर है 911, है ना,
860 और इसके बाद फिर लिखा है 6677, है ना। आप इस नंबर पर केवल एंट्री लिख के भेज दीजिए, है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है आपको। आप इस नंबर पर एंट्री लिख के केवल भेजेंगे तो आप एडमिशन तो ठीक है लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन हमारी टीम आपसे संपर्क करके आपको यह जरूर बताएगी कि आपको पढ़ना कैसे है। हम आपको कुछ उपयोगी सामग्री उस मैसेज में भेजेंगे जो आपका मार्गदर्शन करेगी। कुछ हम रेलवे एनटीपीसी की आपको ऐसी जानकारियां दे देंगे कि ठीक है एडमिशन तो एक अलग बात है कि आपने लेना है नहीं लेना है, जो लोग लेना था ले चुके हैं, जो लोग और लेना चाहते हैं वो आजकल में ले लेंगे, वो तो एक अलग प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप एंट्री लिख के मैसेज केवल कर देंगे तो मैं शायद आपको कुछ ऐसी चीजें बता दूं, कुछ ऐसी बातें मैं आपको बता दूं जो आपके लिए इतनी उपयोगी हो कि आपका एक मैसेज आपकी उस उपयोगिता को शायद पूरा कर दे, एक मैसेज आपकी उस उपयोगिता को पूरा कर देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो मैंने नोट्स के बारे में बताया, परीक्षा तिथि के बारे में बताया, 5 से 6 घंटे हमें नियमित पढ़ने की जरूरत है। 6 घंटे अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा, 6 से 7 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 वीडियो में रोज आपको दूंगा, 5 घंटे वो हो गए, वीडियो में ही तैयारी हो जाएगी, जो पढ़ाऊंगा उसका नोट्स भी आपको तुरंत भेज दूंगा, आप उसको रिवाइज करिए। तो हमारे हिसाब से अगर सिस्टमेटिक चलते हैं तो 45 से 50 दिन आपके पूरे हैं, और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम 50 दिनों में आपको वो चीज बता देंगे जो चीज हम आपको बताना चाहते हैं, क्लियर। तो ये नंबर है जहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। सभी एनटीपीसी और सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले आत्मविश्वास, मन को शांत रखिए, अपने प्रति ईमानदार रखी रहिए, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और अपने प्रति ईमानदार रहिए। सेट कर लीजिए जिस पेपर को दे रहा है उस पेपर का एक गोल दिमाग में सेट कर लीजिए, और उस गोल को दिमाग में सेट करके लिए आप इस परीक्षा की बाधा को पार कर सकते हैं। यह परीक्षा की रणनीति पर पहला वीडियो था। दूसरा वीडियो मैं पैटर्न और क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा और समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। कुछ दिन बाद इसके क्वेश्चंस और पैटर्न्स और हल करने के तरीकों को ऐसे वीडियो लेके आऊंगा और आपको चीजों को पूरा करता रहूंगा, क्लियर है। तो यहां पर जो है अब मैं विराम देना चाहता हूं अपनी बात को, क्लियर है। 2-3 बातें मैंने कही हैं, देखिए झुकना नहीं है, हारना नहीं है, जीतना है, है ना, जीतना है। कैसा लगा वीडियो, मेरी बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या आप चाहते हैं हम लोगों से, जो लोग एडमिशन ले लिए हैं वो क्या चाहते हैं, आपके चैनल के लिए क्या सुझाव है, एनटीपीसी के लिए क्या सुझाव है। वादा एक चीज का रहा, निराशा नहीं होगी, है ना, ऐसे ऐसे दिए जलाएंगे, इतना उजाला होगा कि आप याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार।